हाय गाइस, कुछ इलेक्ट्रिशियंस के पास में इस तरह का रोटरी हैमर ड्रिल मशीन होता है। जैसे मेरे पास भी यहाँ पर एक रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है, जिसमें मुझे दिक्कत ये आती है कि अगर मुझे सादी बिट लगाना होता है, यानी कि कोई वुड में सुराख करना है या फिर कहीं और नरम जगह, तो वहाँ पे जो है हमारा इसके अंदर बिट फिट नहीं होता है। तो ये इसके अंदर SDH बिट आता है जो कि हम कॉन्क्रीट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट में ही चलता है। लेकिन इस तरह का जो सादा बिट होता है नॉर्मल, जिसके अंदर अगर हमें वुड में करना है या फिर कोई प्लास्टिक में होल करना है, तो इसमें फिट नहीं होता, क्योंकि देखिए बिट इसमें ढीला बैठ रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो है मैंने ऑर्डर किया है एडेप्टर, जिसे हम ड्रिल चंक भी बोलते हैं। तो ये मैंने मीशो से ओनली 170 रुपये में ऑर्डर किया है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, ब्रांडेड है, सनो कंपनी का ये जो है चंक है, और वो भी मुझे 170 रुपये में, यानी कि 170 रुपये में मिला है। चलिए पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको, पहले ओपन कर लेते हैं बॉक्स में से। तो आपको चंक के साथ में एक चाबी भी मिल जाती है, जिससे कि आप जो है बिट को फिट कर सकते हो, और उसी के साथ यहाँ पे आपको ये SDH बिट भी मिलता है, जिससे कि हमारा जो ड्रिल है और ये अडेप्टर है उसको कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो पहले मैं इसमें जो है रैपिंग में से इसके बाहर निकाल देता हूँ, इसकी जो पॉलीथीन है उसमें से बाहर निकाल दिया। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये बिट है, जो कि इसके अंदर आपको इस तरह की लाइनिंग वगैरह दिख रही होंगी, तो ये हमारा जो है इस ड्रिल के अंदर फिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुँह है ड्रिल का ही डिज़ाइन होता है। अब उसके बाद में इसके ऊपर आपको थ्रेड भी मिल जाती है, और ये हमारा है ड्रिल चंक। अब ये ड्रिल चंक देख लीजिए, इसके साथ में आपको चाबी भी मिला है, जिससे हम जो है यहाँ पे कितने भी बारीक बिट और कितने भी मोटी बिट को टाइट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप 20 mm तक बिट लगा सकते हो, और जो कम से कम आप कितनी भी बारीक इसके अंदर जो है बिट लगा सकते हो। उसके देखिए तीन पंखुड़े जो ऊपर आ रहे हैं, इससे आप देख सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पे मेरे पास ये बिट मुझे लगाना है, तो मैं इसे जो है इसमें लगा के टाइट कर देता हूँ, और देखिए हमारा बिट इसके अंदर फिट हो गया। जबकि अगर ये बिट हम अगर वो हमारे हैमर ड्रिल में लगाएंगे तो वो फिट नहीं होगा। उसके लिए आपको ये अडेप्टर चाहिए, यानी कि ड्रिल चंक चाहिए, और ये ब्रांडेड है, देखिए सानू कंपनी का ये जो है ड्रिल चंक है, बहुत ही ब्रांडेड है, और मुझे 170 में मिला है। आप देखिए इसके अंदर हमें जो है ये SDH जो बिट है वो पहले फिट करनी होगी। तो पहले मैं इसको जो है हमारा जो बिट हमने लगाया वो निकाल देता हूँ। इसको आपको जो है पहले ओपन कर लेना है, यानी कि इसके जो पंखुड़ा है वो अंदर की तरफ आपको ले लेनी है। उसके बाद में ये हमारा जो बिट है इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक नट भी मिल जाता है, सॉरी स्क्रू मिल जाता है, जिसके थ्रेड जो है उल्टे होते हैं। तो पहले आप जो है वो जो स्क्रू है उसको बाहर निकाल दीजिए, फिर हम जो क्या करते हैं ये हमारा जो बिट है उसको चंक के अंदर फिट करते हैं। तो ये आपको एडेप्टर इसके साथ में देखने को मिलता है, बहुत ही तो वो सिर्फ वही आता है यहाँ पे। मैंने जब लोकल मार्केट में चेक किया और ड्रिल चंक मिला के, तो मुझे यहाँ पे लोकल मार्केट में मेरे गांव में बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, यानी कि 350 के आसपास जा रहा था। तो देखिए इस तरह से आपको जो है वो नीचे का बिट लगा देना है, उसके बाद में अंदर आपको स्क्रू डाल देना है, और स्क्रू को जो है उल्टा आपको घुमाना होगा, तो आपका स्क्रू जो है वो टाइट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो होल यानी कि जो थ्रेड है वो हमारे उल्टे आती है, ताकि ये खुले नहीं। इसलिए आप देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे फिट कर दिया है, अभी हमारा चंक जो है यहाँ पे रेडी है। अब ये जो बिट है मैं इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। तो पहले इसके पंखुड़े को हमें ऊपर लाना होगा, क्योंकि हमारा बिट जो है वो बारीक है, तो उसके होल के हिसाब से हमें जो है मैच करना होता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे जो है लगा देता हूँ। पहले आपको नॉर्मली हाथ से टाइट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पे जो है चाबी के जरिए इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे जो है पूरा चंक रेडी हो गया। अब हमें बस इसके अंदर जो हमारा हैमर है, हैमर के अंदर इसे जो है इस तरह से फिट कर देना है। देखिए आप इसके अंदर फिट करने के बाद में हमारा जो ड्रिल मशीन का जो मोड है उसे जो है नॉर्मल पर रख देना है, हैमर मोड पे हमें नहीं चलाना है, सिर्फ जिसमें हमारा घूमता है उस पर ही करना है आपको। अब जैसा हमारा रेडी हो गया, ओके, अब मैं इसमें जो है अब जो मैंने बिट लगाया वो शायद आपका अगर एल्यूमिनियम में कर रहे हो या फिर लोहे में कर रहे हो, तो आपके हिसाब से देख लेना। जैसा कि यहाँ पे मैंने वुड में करके दिखा रहा हूँ आपको, एक लकड़ी का गुटखा है मेरे पास यहाँ पे, और देखिए कितने अच्छे से मैं जो है हैमर ड्रिल को सादे काम में भी यूज़ ले सकता हूँ, यानी कि अब इसके अंदर मैं कोई भी सादी वाली बिट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ये अडेप्टर काम करता है, और ये जो है मैंने मीशो से ऑर्डर किया था 170 रुपये में, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, बहुत ही सस्ता मिला था, वो भी ब्रांडेड मिला था, क्योंकि ये जो है मैंने लोकल मार्केट में चेक किया था उस 350 का मुझे बता रहे थे। तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो मैं आपको लिंक इसके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी किसी भी तरह का ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का ये जो एडेप्टर था मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दिक्कत आती है हमें इस मशीन के साथ में, क्योंकि हम ये जो है कॉन्क्रीट में ही चला सकते हैं, सादे बिट इसमें लगा नहीं सकते, इसलिए मैंने एडेप्टर मंगाया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताएं, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो चैनल में नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।